चलो आराम आराम से चलो यार। जा सड़क के अलावा जा सड़क के बाद अब तुम कहीं बैठाने तो बैठ जाएंगे, लेकिन यहाँ खाने में ना बैठेंगे। कोई ना जा रहा। अब 1 तारीख से चले प्रदेश कार्यालय फिरोजाबाद और माँ के घर के लिए चले हैं पैदल। मैं चला हूँ योगेश्वर प्रताप सिंह, हाँ बेटा हूँ, हाँ और प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ संगठन का। मैं 1 तारीख से चला हूँ फिरोजाबाद से और बाबा के घर जाने के लिए चला हूँ। अब बाबा सवाल तो कर सकते बाबा हमें से तो एक आध 1000 आदमी है तो उनको बात ना कर सकते मैं घर बैठा के। नौ मांगो नए आंदोलन कर ले और उप मुख्यमंत्री कृषि मंत्री और दया शंकर जी सब हमारे मंच पर जाके प्रदेश कार्यालय पे मांग पत्र लेके आए हैं तो सब लेके आए मांग पत्र। और मांग पत्र ये है कि पहले तो जो प्रदेश में जो लोगों को परेशान किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, वो बाबा को बताएंगे कि बाबा ये चल रहा है प्रदेश में पूरे में और कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, ना जायज लोगों को सताया जा रहा है। तो सब लिख रहे हैं पर बात करिए होते हैं हम बाबा थे अब लिखेगा और लिखा करो। दूसरी बात जो है कि भ्रष्टाचारियों 25 और 26 सितंबर में मैंने मथुरा में कृष्ण जी की भूमि पे वृंदावन में ये ऐलान कर दिया था। मेरे अपनी वजह तो ना है, उनकी किसी न किसी शक्ति की वजह से कि भ्रष्टाचारियों भारत छोड़ो या भ्रष्टाचार छोड़ो। सही है अच्छा, क्योंकि बाबा जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, मोदी जी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन उनकी कर्राई पे या किसी पे और आप लोगों को प्रशासन को झूठ देने पे और उल्टा हो गया है प्रदेश में ना। हाँ झूठ है तभी तो उल्टा हो गया, लेकिन नहीं कार्रवाई की झूठे कार्रवाई की झूठे लेकिन उल्टा हो रहा है। आप देख लो उदाहरण देके दूंगा, वैसे नहीं उदाहरण देके इटावा नहीं मैं आ रहा था तब एक नाजायज लड़के को बेफालतू में मारा था एक इंस्पेक्टर साहब ने और मैं भी फिर बैठा था गुड़गांव जाके और कही और डीएम साहब को बताया, सब पूरे प्रशासन को बताया और पूरा प्रशासन चाहता है कि कार्रवाई हो उसमें, लेकिन कप्तान साहब नहीं कर रहे। संजय कुमार वर्मा जी के मैं आया था तभी देखा है और ऐसा पूरे प्रदेश में चल रहा है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है किसी। अब भ्रष्टाचार से लोग परेशान वो है सिर पे 1000, 2000 और 5000 लूटे जा रहे हैं। 1 करोड़ लाओ भ्रष्टाचार से कोई परेशान ना हो तो 10 करोड़ पैदा करने के लिए अभी लग रहा है। अभी पता चलता है कि गुलाबी करोड़ों रुपए लेके दिए जाते हैं तो वे क्या करें, वे तो लुटवाएंगे पिटवाएंगे। दूसरी है भ्रष्टाचार खत्म करने में हम कह रहे 30 साल से ठाकुर भानु प्रताप सिंह जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और मेरे पिताजी भी हैं उनके 91वें प्रदेश अध्यक्ष बनाए थे, तब से अब तक की जांच हो और जांच में भी अगर वो दोषी पाए जाए तुरंत जेल में हो। और किसान नेता जो है जो किसानों को ठगवा रहे हैं पिटवा रहे हैं लुटवा रहे हैं तो अपने मतलब के लिए उन सबकी जाँच होके बाबा कार्रवाई को सार्वजनिक करे, उसे कार्रवाई करेंगे कि न करेंगे हमें नहीं पता, सीधे सार्वजनिक करें कौन सही है कौन गलत है। और जो सही पाए जाए उनके कहने से एक आयोग बनाने जैसे किसान समृद्धि आयोग है उत्तर प्रदेश का, उसमें उन लोगों को ईमानदार लोगों को रख दे तो फिर हमें आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना आप परेशान होंगे ना हम परेशान करेंगे। हम अपनी सिफारिश रखेंगे कि इस तरह से कम लागत प्राकृतिक खेती जहर मुक्त खेती चाहते हैं हम कि प्रदेश में और देश में जहर मुक्त खेती हो। देसी गाय के गोबर से सुभाष पालेकर जी ने विधि बनाई है कि कम लागत प्राकृतिक खेती जो सबको बताए, बाबा को भी बताए मोदी जी को भी बताए, चूंकि उनको पद्मश्री दिया है जिनने वो बनाई जो खाद बनाया है देसी गाय के गोबर से। और एक आचार्य देवदत्त जी है उन्होंने करवाया प्रैक्टिकल, वो आज गुजरात के
राज्यपाल है तो वो तो पूरे देश में लागू क्यों नहीं करते हैं उसको? रासायनिक कंपनियों से क्या मिल रहा है इनको? इनको भगाते क्यों नहीं है यहाँ से? जहर जहर घोल रहे हैं जो हमारी जमीन में, जमीन भी खराब हो रही है और सबको खाना पड़ रहा है। इन्हीं बातों के लिए आए हैं। दूसरी बात, आप लोगों की पेंशन, जो नौकरी कर रहे हैं उनकी पेंशन खत्म कर सकते हैं, तो एमएलए एमपी जो अपने एक दिन के लिए बनते हैं उनकी क्यों नहीं कर सकते? बस इनको पूछने आए हैं। और 500 रुपया का जो राशन हम पैदा करते हैं हम ही को देते हैं, हमें नहीं चाहिए। हमें पेंशन उनकी भी सुविधा खत्म करो, एमएलए एमपी और नेताओं की और पब्लिक की भी खत्म कर दो। उसके बाद डीजल पे, पेट्रोल पे और रसोई गैस पे और बिजली पे इन दामों में सस्ते कर दो, हमको बिल्कुल बचना शुरू हो जाएगा। इनके लिए आए हैं, बातें अच्छी नहीं, ये सही है और करवा के मानूंगा ये संकल्प है। और 24 जनवरी 2018 को भाई ने, बड़े भाई थे वो, इसी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष थे, आत्महत्या करके गोली मार के आत्महत्या की थी। उसी दिन संकल्प लिया था, अब मेरा उद्देश्य है या तो किसानों की समस्या का और देश की समस्या का समाधान, या आप जैसे अधिकारियों की वो आदेश करेंगे और गोली खा के मर जाना। आपकी बात सुन ली, आपको समय चाहिए ना मुख्यमंत्री से? समय का हम तो उनके घर जाना चाह रहे हैं। यात्रा 1 तारीख पे आई है और 1 तारीख पे उनके घर अरे पूरे तालाब है वहाँ जगह, अकेले बाबा अकेले इतना बड़ा बंद किया था, इतने अरे सुनो यार, इतने इतने जो लोग हैं घर में आराम से ले जाए। बाबा चलो बाबा, जब आवे तभी हम मिल लेंगे, आज आवे कल ले आवे परसों आवे, बाबा के घर बैठाते, बाबा के घर बैठा रहा। अरे सुनो बाबा ते आपकी ऐसी आप या आपकी किसी ऊपर की क्षमता है कि बाबा ते डायरेक्ट बात कर ले? अरे और हमें तो बाबा ने जो पूछा, बाबा किसान तुम्हारे घर पे आए हैं तुम के लिए, या तो हमें आने दो तो इनको गोली मारे, या आप दरवाजा खोल दो तो हम घर बुला लें। सही है, अरे बिना केस उनके हम नहीं जाएंगे, कहीं कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल।